नगर निगम भिलाई के विभिन्न वार्ड में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 15 दिनों के लिए निगम भिलाई द्वारा इसके लिए शेड्यूल बनाया गया है, जिसमें गुरुवार के दिन विशेष शिविरों के माध्यम से उपचार किया जाएगा। भिलाई के महापौर नीरज पाल और नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा लगाए जाने वाले स्वास्थ्य शिविरों में आगामी 15 दिन का शेड्यूल तैयार किया गया है, जिसके तहत गुरुवार के दिन विशेष कैंप का आयोजन कर अलग अलग जगहों पर एक विशेष समुदाय को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया गया है और इसी के तहत निःशुल्क जांच के साथ निःशुल्क दवाएं भी वितरित की जाएंगी। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और महापौर नीरज पाल के द्वारा लगातार मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा लगाए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और इन शिविरों में मिलने वाली सुविधाओं का अवलोकन कर इसे और बेहतर बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। देखिए, जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है उसके माध्यम से स्लम क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जो है प्रतिदिन किया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिक निगम भिलाई ने अभी जो 15 दिन आगामी 15 जून तक उसके लिए शेड्यूल तय किया है और उस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो शिविर का आयोजन किया जाएगा। एक हमारे यहाँ एक अच्छा कॉन्सेप्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट को लेकर, स्वास्थ्य शिविर को लेकर है कि गुरुवार को हम स्पेशल विशेष कैंप का आयोजन करने का प्रयास करते हैं, जिसमें जो है जनरली जो कर्मचारी हैं हमारे, जो पुलिस के कर्मचारी हो गए, सुरक्षा जवान हो गए, ऐसे लोगों को भी हम लोग क्या है विशेष शिविर कैंप में उनको लाभ देने का प्रयास करते हैं, उनके परिवारजनों को लाभ देने का प्रयास करते हैं और जो छात्र हैं विद्यार्थी हैं उनके लिए भी स्कूलों में जा कर के हमारा एक विशेष कैंप के माध्यम से उनको भी जो अनभिज्ञ रहते हैं उनको जुड़ने का प्रयास करते हैं स्वास्थ्य की दिशा में। तो मोबाइल मेडिकल यूनिट का जो स्वास्थ्य शिविर है वो आगामी 15 दिनों के लिए हमने जो तय किया है उसके आधार पर जो है स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। भिलाई के शहर सरकार अपने शहरवासियों के स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक नजर आ रही है और इन्हीं के प्रयासों से पूरे शहरवासियों को इस योजना का निःशुल्क लाभ भी प्राप्त हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।